मंदिर कुछ ऐसा सा पैसा सबको झुकाता है पर ये पैसे वाले को भी झुका देते हैं। भाई 15 लाख रुपए दो और सरकारी नौकरी ले लो, विवेक दिला रहा है विवेक। Hey guys, welcome back to another vlog। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी। और आज पता है मेरा आर्म रेसलिंग का कॉम्पिटिशन भी है, बट मेरे को उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट पता है किस चीज़ की है कि मेरे को रात को मंदिर जाना है। पता नहीं यार, बचपन में भी मन करता था, अब भी, अब जितना मैच्योर हो रहा हूँ ना उतना ही भगवान की तरफ ध्यान जा रहा है। सही है, होना चाहिए भाई, अपने रिलीजन को लेके थोड़ा डीप नॉलेज होनी चाहिए और सब कुछ। तो अभी मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है और 110% जन्माष्टमी है, बारिश ना आए ऐसा नहीं हो सकता, तो आएगी, देख लेना, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया आएगी। और इससे बड़ा सबूत आपको क्या ही चाहिए कि भगवान एग्जिस्ट करते कि नहीं करते। भाई जिस दिन जन्माष्टमी होती है बारिश आती आती है और हवा भी इतनी तगड़ी चल रही है और बादलों का तो क्या ही कहना ही है। देखो देखो क्या बढ़िया हो रहा है भाई। तो भाई शाम हो चुके हैं और हम आ चुके हैं मंदिर, पीछे का व्यू। हाँ मैं भी आ रहा हूँ, अब हम आगे चलते हैं। रुको से ओ, अब बोलेगा कुछ? फोटो खींचना, फोटो कैसी थी? डेविल लग रहा भाई तू। मैं हूँ तेरा एंजल और डेविल मेरा यार। कुछ ऐसा भी हो रहा भाई, सारे बोलोगे भाई। हाँ हाँ जिंदा हाँ बोल ले, है बस की तो बस, बस की बेटे है, बस की तो पियो दस की। कितने भीड़ हो गया भाई, भक्त अंधा होता है भाई, भीड़ भीड़ नहीं देखता। अगर दर्शन करने हैं तो रात दिन नहीं देखे जाते हैं ना, अपन एक दिन मिलता है और एक दिन भी अगर तुम मंदिर नहीं आते ना तो तुम हिंदू नहीं हो भाई। अबे ये क्या, इसमें दम नहीं है, जब भी जयकारा नहीं लगा पाया अब भी नहीं लगा पाया। अबे जयकारा, अबे भीड़ में जयकारा लगाएंगे ना तब बढ़िया लगेगा। तो भीड़ ही है ये, और कितनी भीड़ लेगा भाई, वहां लगाएंगे। आते हैं बस की तो बोल, बाके बिहारी लाल की जय। भाई तूने लास्ट में क्यों लगाया? मैं देख रहा था ना कौन कौन लगा रहा है जयकारा और कौन लगाया। जय माता दी, सबके काम बनाना बस। पहले हिलने वाले आते हैं, उधर नहीं जाऊंगा मैं। क्या बढ़िया लग रहे हैं ना भगवान, अरे वाह। पता है कुछ लोग कहते हैं ना कि पैसा सबको झुकाता है, पर ये पैसे वाले को भी झुका देते हैं। मंदिर कुछ ऐसा सजा है भाई, 15 लाख रुपए दो और सरकारी नौकरी ले लो, विवेक दिला रहा है विवेक। भाई देखो एक्स विवेक बोल बोल बोल, इसको खुद ही दिलवा दे। मैं कुछ ये नहीं भाई, देखो सबसे पहले मतलब यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल की सीट्स होती है, भाई अगर बंदे रिटर्न निकाल रखा है, हाँ 15 लाख में, 15 लाख ज्यादा नहीं होगा रिटर्न निकालने के बाद भी। अगर कोई भी पुलिस वाले अंकल देख रहे हैं तो जल्दी से इसके घर पे रेड मारो, ये इनलीगल तरीके से जॉब लगवा रहा है, 15 लाख रुपए मांग रहा है, 15 लाख मांग रहा है भाई साहब। इधर डाल ये हरी चटनी के नाम पे पता नहीं क्या दे रहा है, कैसी चटनी और।